पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादी समारोह पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निर्देश पर इस प्रतिबंध को लागू किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में बिजली संकट के मद्देनजर नए पीएम शहबाज शरीफ ने ये फैसला लिया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि पाक में अब शादी में शामिल हुए मेहमानों को केवल एक डिश परोसने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही शहबाज सरकार ने मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के ईंधन कोटे में 40% की कटौती भी करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने एक कैबिनेट उप समिति का भी गठन किया है जो बाजारों को जल्दी बंद कराने के विचार पर फैसला लेगी। सरकार इन फैसलों के माध्यम से बिजली संकट से निजात पाना चाहती है, क्योंकि एक और पाकिस्तान आर्थिक संकट से पहले ही जूझ रहा है, और अगर बिजली संकट भी गहरा गया तो पाक की हालत बदतर से भी बदतर हो जाएगी। लेकिन गाइस, अब ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इन फैसलों के सहारे अपनी खस्ता हालत को सुधार पाएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मंडला मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कीजिए।